हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 125 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 126 में दिया है एक्स की पावर 10 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 10 बराबर है 51 के। एक्स की पावर 5 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से क्या करना है, आधी पावर ज्ञात करनी है। और क्या है, माइनस में है। अगर आधी पावर ज्ञात करनी हो और माइनस वाला ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी 51 में से 2 जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 500 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 500 बराबर है 171 के, और एक्स की पावर 250 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 250 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से क्या करना है, आधी पावर ज्ञात करनी है और माइनस वाली ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 171 माइनस 2 कर देंगे तो 169 का स्क्वायर रूट, जो कि वैल्यू होती है 13 की, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 13। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 4 दिया है 34 के बराबर, और एक्स माइनस 1 वाई एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी पावर 4 दी गई है और पावर 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले तो ये ध्यान में रखना है कि पावर 4 से हम सीधा पावर 1 पर नहीं आ सकते, पहले हमें पावर 2 पर आना पड़ेगा, यानी एक्स की पावर 2 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 2 निकालना पड़ेगा। यह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दी गई संख्या में 2 जोड़कर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 34 और 2 36 का स्क्वायर रूट, यानी यहाँ से आप देख भी सकते हैं पावर 4 पर जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस पर जाना है, दी गई संख्या का स्क्वायर करना है, यानी अंडर रूट 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 34, यानी ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर हमें क्या करना है, एक्स माइनस 1 वाई एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी आधी पावर पर आना है और प्लस से माइनस पर जाना है, और प्लस से माइनस पर जाएंगे तो माइनस करेंगे, यानी यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 6, 6 में से 2 कम कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर रूट, जो किसके बराबर होता है 2 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 2, यानी प्लस से प्लस पर आना हो, आधी पावर पर आना हो तो आप प्लस करेंगे, और प्लस से माइनस पर जाना हो तो अब आप माइनस 2 करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 4 बराबर दिया है 119 के, और एक्स माइनस 1 वाई एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, यानी प्लस से प्लस पर जाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 प्लस कर देंगे, यानी 119 और 2 क्या हो जाएगा आपका 121, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 121, अंडर रूट 121 की वैल्यू होती है 11, और यहाँ से आप क्या याद कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस से माइनस पर जाना हो, आधी पावर पर जाना हो तो आप क्या करते हैं, दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्क्वेयर रूट, यानी 11 माइनस 2 9, 9 का स्क्वेयर रूट वैल्यू होती है आपकी 3 की बराबर, यानी एक्स माइनस 1 वाई एक्स की वैल्यू आ गई 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर
130 पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर है 47 के। एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ से सीधा ही लिख देता हूँ क्योंकि एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी आपकी इसमें, यानी प्लस से प्लस पर जाना है और दो जोड़कर उसका स्क्वायर रूट करना है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डीप से किया था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 47 और 2 49 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 7 के बराबर। और फिर यहाँ से क्या निकालना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, यानी आधी पावर पर जाना है और प्लस से माइनस पर जाना है, दो घटाकर स्क्वायर रूट, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5, 5 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 8 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 8 बराबर है 79 के, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी पहले आधी पावर ज्ञात करनी पड़ेगी। आधी पावर यानी x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, और प्लस से प्लस पर आना हो तो दी गई संख्या में 2 जोड़कर उसका स्क्वायर रूट, यानी 79 प्लस 2 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 9, और फिर 9 से हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी प्लस से क्या रहे हैं माइनस पर, तो माइनस 2 करेंगे 7 में से, यानी 9 में से 2 चला जाएगा तो अंडर रूट 7 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पे क्या दे रखा है, एक्स की पावर 12 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 12 बराबर है आपका 98 के, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से आप पहले क्या याद करेंगे, यानी आधी पावर x की पावर 6 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 6, और इसमें 2 जोड़ेंगे 98 और 200 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आएगा 10, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी x की पावर 6 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 6, और प्लस से माइनस पर जाना है और आधी पावर पर जाना है तो क्या करेंगे, दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट, यानी 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर रूट, इसको आप लिख सकते हैं 2√2 भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 2√2। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 बटे y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बाई x की पावर 4 बराबर है आपका 254 के, और x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी पावर 4 की वैल्यू दी गई है, पावर 4 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर 4 से x की पावर 2 पर जाएंगे, यानी दी गई संख्या में 2 जोड़ेंगे, यानी प्लस से प्लस पर जा रहे हैं तो 254 और 256 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 256 की स्क्वायर बराबर होता है 16 के, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की, यानी अब निकालना है एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, यानी आधी पावर है और माइनस पर जा रहे हैं तो दी गई संख्या में माइनस करेंगे 2 का, 16 में से 2 जाएगा 14 यानी स्क्वायर रूट 14, ये माइनस 2 यानी माइनस 2ab होता है, a और b क्या है कॉमन है तो a और b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया अंडर रूट 14। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या दे रखा है, x की पावर 28 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 28 बराबर है आपका 322 के,
और x की पावर 7 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 7 की वैल्यू याद करनी है। यानी इससे पहले आप क्या करेंगे, आधी पावर पर जाएंगे, एक्स की पावर 14 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 14 यानी 322 प्लस 2 324 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 324 बराबर होता है 18 के। और फिर यहाँ से क्या करेंगे आप, एक्स की पावर 7 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 7 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी आधी पावर पर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, और माइनस पर जा रहे हैं तो माइनस टू ए बी, ए और बी क्या है दोनों बराबर, तो माइनस टू कर देंगे सीधा, यानी 18 में से 2 गया 16, स्क्वायर रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। यहाँ से ये आपका राइट आंसर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 9 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 9 बराबर है आपका 62 के, और वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स की पावर 9/4 माइनस वन वाई एक्स की पावर 9/4, यानी ये क्या है पावर 4 है, यानी इस पावर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 9 माइन प्लस वन वाई एक्स की पावर 9, यानी ये पावर 4 का क्या है, यानी पहले स्केयर है फिर उसका स्केयर है, तो पहले आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट, फिर क्या करेंगे स्क्वायर रूट, प्लस से प्लस पर जाना है, यानी यहाँ से हम क्या कर करेंगे, पहले एक्स की पावर 9/2 प्लस वन वाई एक्स की पावर 9/2 यानी आधी पावर पर आ रहे हैं और प्लस से प्लस पर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे दी गई संख्या में 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट, यानी 65 और 2 64 का स्क्वायर रूट इसके बराबर होता है 8 के। फिर हम क्या करेंगे एक्स की पावर यानी इसका आधा, आधा कैसे कहते हैं भाग 2, यानी 9/2 को भाग किया 2 से तो 9/4 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 9/4 माइनस वन वाई एक्स की पावर 9/4। फिर यहाँ से क्या करेंगे प्लस से माइनस पे आ रहे हैं और आधी पावर पर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट, यानी 8 में से 2 घटाया 6 और 6 का स्क्वायर रूट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्क्वायर रूट 6। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 136 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर है 142 के, और अंडर रूट एक्स माइनस वन वाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू में ज्ञात करनी है, यानी ये क्या है पावर 4 है, पावर 4 कैसे, ये स्क्वायर का अर्थ पावर 4 नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये पावर 4 है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे आप तो आएगा एक्स प्लस वन वाई एक्स, और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर। पहले हम क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वन वाई एक्स, क्योंकि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे डीप से बताया है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यानी 142 में 2 जोड़ेंगे यानी प्लस से प्लस पर जा रहे हैं, तो 144 स्क्वायर रूट 144 किसके बराबर होता है 12 के। फिर क्या करें प्लस से माइनस पर जा रहे हैं, आधी पावर पर जा रहे हैं, तो माइनस टू ए बी, ए और बी क्या है बराबर है माइनस टू, यानी 12 में से 2 चला जाएगा 10 यानी स्क्वायर रूट 10, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 6 प्लस वन वाई एक्स की पावर 6 बराबर है आपका 167 के, और वैल्यू ज्ञात करनी है आपको एक्स की पावर 3/2 माइनस वन वाई एक्स की पावर 3/2, यानी पहले ये क्या है इसका पावर 4 है, क्योंकि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पावर 6, यानी ये पावर 6 है, तो पहले पावर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों ये क्या है पावर 4, तो पहले पावर 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी
एक्स की पावर 3 प्लस वन वाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, यानी प्लस से प्लस पर आना है तो जोड़ना है, तो स्केयर रूट 169 किसके बराबर होता है 13 के, और 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 का स्केयर रूट इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि प्लस से माइनस पर आएंगे तो 2 घटा देंगे और उसका स्केयर रूट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 5 प्लस वन वाई एक्स की पावर 5 बराबर है 223 के, और एक्स की पावर 5 बटे 4 माइनस वन वाई एक्स की पावर 5 बटे 4 की वैल्यू हमें याद करनी है, यानी ये पावर 4 है तो पहले पावर 2 निकालेंगे। कैसे, प्लस से प्लस पर जाना है तो आप प्लस 2 करेंगे, 223 और 2 225 का फिर करेंगे स्क्वायर रूट, यानी यहाँ से अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी पावर आधी होगी, 225 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 15 के, और फिर आधी पावर पे जाना है और माइनस पे जा रहे हैं तो 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट, यानी 15 में से 2 घटाया 13, यानी स्क्वायर रूट 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 बटे वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटे एक्स की पावर 4 बराबर है 254 के, और यहाँ से वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स यानी पावर 4 की वैल्यू दी गई है और पावर 1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे पहले, यानी प्लस से प्लस पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे 254 और 2 256 का स्क्वायर रूट, यहाँ से वैल्यू आ गई 256 स्क्वायर रूट की 16, और फिर यानी एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे दी गई संख्या में से 2 घटाएंगे और उसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट 14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन वाई एक्स बराबर है 3 के, और एक्स प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू में ज्ञात करनी है। यहाँ से पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला आता है तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले हमें इस पे डीप से करते हैं फिर आपको शॉर्ट बताएंगे, यानी ये क्या है ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बनेंगे यहाँ से स्क्वायर का, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए को ए से गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, और बी माइनस बी को माइनस बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का बी और माइनस 2ab। फिर यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से दिया गया आपको ये, यानी ये प्लस का बनाना है, यानी एक्स प्लस वन वाई एक्स निकालना है, तो आप प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर आकर क्या होगा प्लस 2ab, और किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। फिर यहाँ से क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, अगर इसमें 2ab प्लस करते हैं इस साइड और प्लस कर दें इस साइड, क्योंकि दोनों साइड हमने बराबर इक्वल ऐड किया है, तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इधर 2ab प्लस किया है तो इधर भी 2ab प्लस करना पड़ेगा। यहाँ से क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और किसके बराबर होगा ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए प्लस बी की हमें वैल्यू हमें याद करनी है, तो ये क्या हो जाएगा इधर आकर स्क्वायर रूट, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab, याद करने के लिए आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यानी यहाँ तक ये बन गया आपका ठीक। फिर यहाँ से सॉल्व कैसे होगा, यानी दी गई संख्या का स्केयर किया और उसमें प्लस 4ab किया
और उसका स्क्वायर रूट कर दिया। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 41 को लिखते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या दे रखा है, x माइनस वन वाई एक्स बराबर है आपका 3 के और x प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पहले तो हम करेंगे इसे डीप से फार्मूले के हिसाब से और फिर करेंगे इसे सॉल्व। यानी यहाँ से क्या बनाएंगे आप, ये हमारा फार्मूला निकल कर आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर होगा किसके, a प्लस बी के स्क्वायर। यानी ये फार्मूला निकल कर आया था मासी हमारा, तो a माइनस बी क्या दिया गया 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 इंटू ए क्या है x, b क्या है 1 बाई एक्स और क्या है इसका स्क्वायर रूट, ये क्या बना है x और b क्या बना है 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स हो गए। यहाँ से x कैंसिल, 9 और 4 13 यानी अंडर रूट 13 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। यहाँ से अगर सॉल्व करना है तो दी गई संख्या में स्क्वायर करना है और प्लस 4 कर देना है, क्योंकि माइनस से प्लस पर जाएंगे तो प्लस 4ab होगा और प्लस से माइनस पर आएंगे तो माइनस 4ab होगा, यानी 9 और 4 13 का अंडर रूट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में हमें क्या दे रखा है, x माइनस वन वाई एक्स बराबर है आपका 5 के और x प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी माइनस से प्लस पर जाना है और पावर सेम है तो आप क्या करेंगे प्लस 4ab, यानी माइनस से प्लस पर जाएंगे तो प्लस 4ab, 5 का स्क्वायर 25, 25 जमा 4 29 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट 29 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर है आपका 7 के और एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू में ज्ञात करनी है। यानी माइनस से प्लस पर जाना है और पावर सेम है तो क्या करते हैं 4ab, माइनस से प्लस पर जाएंगे तो प्लस 4ab, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4ab, OA और b क्या है दोनों समान है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसर और प्लस का क्या होगा 4 यानी अंडर रूट 53 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, x की पावर 3 माइनस वन वाई एक्स की पावर 3 बराबर है आपका अंडर रूट 5 के और x की पावर 3 प्लस वन वाई एक्स पावर 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी माइनस से प्लस पर जाना है और पावर क्या है आपकी सेम है तो यहाँ से क्या करेंगे दी गई संख्या का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 4ab, a और b दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 और 4 9 अंडर रूट 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या दे रखा है, x की पावर 5 माइनस वन वाई एक्स की पावर 5 बराबर है आपका अंडर रूट 21 के और x की पावर 5 प्लस वन वाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी माइनस से प्लस पर जा रहे हैं और पावर क्या है सेम है, दी गई संख्या का स्क्वायर क्या अंडर रूट 21 का 21, माइनस पे प्लस पर जाते हैं तो क्या करते हैं प्लस 4ab, a और b क्या है दोनों समान तो कैंसिल हो जाएगा, 11 और 4 15 यानी अंडर रूट 15 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 145 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या दे रखा है, x की पावर 7a माइनस वन वाई एक्स की पावर 7a बराबर है 4 के, वैल्यू ज्ञात करनी है x की पावर 7a प्लस वन वाई एक्स की पावर 7a की,
यानी पावर समान है और माइनस से प्लस पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्या का स्क्वायर कर कर उसमें प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 यानी अंडर रूट 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं 2√5 यानी ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या दे रखा है, 3x माइनस 1y 3x बराबर दिया है 6 के, 3x प्लस 1y 3x की वैल्यू में ज्ञात करनी है, यानी पावर सेम है और a और b भी सेम है, माइनस से प्लस पर जाना है, दी गई संख्या का स्केयर कर कर प्लस 4ab, a भी और b कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्केयर 36 और 4 40 यानी अंडर रूट 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको लिख सकते हैं हम 2√10 यानी आप इसे 2√10 भी लिख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या दे रखा है, 3x माइनस 1y 2x बराबर है 3 के और 3x प्लस 1y 2x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ क्या चेंज हो गया आपका, a और b चेंज हो गया, क्योंकि a और b दो क्या दोनों अलग अलग है, यानी यहाँ से आप करेंगे दी गई संख्या का स्क्वायर, यहाँ से पावर सेम है, माइनस से प्लस पर जाना है तो प्लस 4ab यानी दी गई संख्या का स्क्वायर 9 प्लस 4ab 4 गुणा a क्या है 3x और b क्या है 1 बाई 2x, x से x कैंसिल और 2 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा, यानी 9 जमा 6 का अंडर रूट 15 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 148 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या दे रखा है, 5x माइनस 1y 4x बराबर है 4 के, 5x प्लस 1y 4x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से क्या है a और b दोनों अलग अलग है परंतु सही जगह पर है, यानी ऊपर नीचे चेंज नहीं है और माइनस से प्लस पर जाना है, तो माइनस से प्लस पर जाएंगे तो प्लस 4ab दी गई संख्या का स्क्वायर प्लस 4ab ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 गुणा 5x गुणा 1y 4x, x से x कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, यानी 16 और 5 21 अंडर रूट 21 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या दे रखा है, 7x की पावर 3 माइनस 1y 4x की पावर 3 बराबर है 5 के, 7x की पावर 3 प्लस 1y 4x की पावर 3 की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से माइनस से प्लस पर जाना है और पावर समान है और a और b उसी जगह पर है, यानी a इस जगह पर और a इस जगह पर है, दी गई संख्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4ab प्लस 4 गुणा a क्या है 7x की पावर 3, b है हमारा 1y 4x की पावर 3, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 25 और 7 हो गया 32 यानी अंडर रूट 32 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 150 में दे रखा है 2x माइनस 1y 3x बराबर है आपका 6 के और 3x प्लस 1y 2x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से क्या है पावर समान है और माइनस से प्लस पर जाना है, परंतु यहाँ पर क्या है a और b की जगह चेंज हो गई है, यानी a यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे, भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऊपर, यानी इसे हम क्या करेंगे सही करेंगे पहले, यानी a और b का स्थान सही करेंगे,
तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ से 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x-1y 2x, और इसे 3/2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 3 6 यानी 3 3 9, ये बराबर हो गया आपका। यानी यहाँ से हम यहाँ पर जा सकते हैं, यानी पावर क्या है, सेम है, माइनस से प्लस पर जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से प्लस पर जाना है तो प्लस करते हैं, दी गई संख्या का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81+4 × a क्या है 3x, और b क्या है 1y 2x, x से x कैंसिल, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 81 और 6 87, यानी √87 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।